नंबर वन मेरे अंदर से आया कि मेरे को ऐसी वीडियोज उठा करके डालनी है, कॉमेडी वीडियोज डालनी है। आपने डाली, अब आपने अपनी वीडियोज को ध्यान से देखा, ये काम का ही पार्ट है। काम का पार्ट सिर्फ ये नहीं कि आपने वीडियो उठा के डाल दी और अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से व्यूज आ जाएंगे, नहीं। अब आपने देखा कि अच्छा वो क्या कर रहा है जो सक्सेसफुल है इस फील्ड में, और मैं क्या कर रहा हूं, कहां पर मैं गलती कर रही हूं, कहां पर मैं गलती कर रहा हूं। तो आपको अपनी गलतियां पकड़ में आ गई, आपने उसको इंप्रूव किया, फिर डाला, फिर व्यूज नहीं आए, फिर डाला, फिर व्यूज नहीं आए। एक ऐसा लेवल आ गया कुछ महीने बाद जा करके, क्योंकि अब आप ये करते चले जा रहे हो। कोई भी स्किल एकदम से डेवलप नहीं होती है, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। आपको स्केटिंग सीखनी है, एकदम से सीख जाओगे क्या? इट टेक्स टाइम, इट नीड्स प्रैक्टिस। तो फिर क्या हुआ, आपने डाला 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 डाला, डालते रहे कुछ महीनों तक, डालते रहे। अब आपको समझ आ रहा है, अब आप अपने आप से ईमानदारी से देख करके बोल रहे हो कि अब मेरे कंटेंट में दम है। मतलब अभी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं, छह महीने पहले डाला था, उसमें दम नहीं था, लेकिन आज दम है, लेकिन तब भी व्यूज नहीं है। तो आपने कहा अब मेरे प्रोडक्ट में तो दम है लेकिन बिक नहीं रहा है, तो अब मुझे क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए। अब मैं किस तरह से, क्योंकि कंटेंट में दम है, मतलब कम लोग आ रहे हैं देखने के लिए वीडियोस, लेकिन जो आ रहे हैं वहां से कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स अच्छे आ रहे हैं, दैट मींस कि इसमें कोई कमी नहीं है मेरे काम में, लेकिन नोबडी इज वॉचिंग दैट। समझ गए ना, कमी लोग देख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, अब मार्केटिंग कैसे करूं? अब आप सीख रहे हो उन लोगों से जिन्होंने अपनी मार्केटिंग करी, जो लोग सक्सेसफुल हुए आप ये देख रहे हो, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से शुरू किया ही था ना, उनके भी तो वीडियोस पे कभी ना कभी 100, 200, 500 व्यूज थे, उनके कैसे बढ़े? तो उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो आपको समझना होगा। सब कीवर्ड्स और टैग्स वगैरह, बहुत चीजें होती हैं, सब्जेक्ट लाइन है, कीवर्ड्स है, टैगिंग है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसके अलावा कोलैबोरेशंस होती है कि वो गए जाकर के और लोगों से मिल रहे हैं, जो और यूट्यूबर्स है जो सक्सेसफुल है, हो सकता है उनके अंदर कॉन्टेंट में तो दम है लेकिन कोई उनको जानता नहीं है, तो अब उन्होंने जाकर के टाई अप किया किसी ऐसे से जो यूट्यूब में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, और उसको बोला यार मेरे को छोटे मोटा रोल दे दे अपने यहाँ पे, कहीं पर भी फ्री में काम करूंगा तेरे साथ में। उसके चैनल पे आते ही क्या हुआ, लोग इसको जान गए, लोगों ने इसका काम देख लिया, और काम देख करके उसको आपने क्या कहा कि बस मेरे चैनल का लिंक दे दियो वहां पे। वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो फ्री में एक आर्टिस्ट मिल रहा है ना। समझ गए, उसका भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया, अब आपके पास लोग आ गए, अब आप दिमाग लगा रहे हो अब मैं और कैसे बढ़ाऊं। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब क्या हो रहा है? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो सक्सेस अपने आप आ रही है आपकी तरफ, आप अपने आप ही आगे बढ़ रहे हो, आपका फोकस कहां पर है? काम पे है। बट काम का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया या अपने आप को काम में अच्छा कर दिया, वो सिर्फ काम है। अरे नहीं, मार्केटिंग भी काम का एक पार्ट है, पैकेजिंग भी काम का एक पार्ट है। आपने प्रोडक्ट बड़ा अच्छा बनाया है लेकिन उसकी पैकेजिंग गंदी सी है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, प्रोडक्ट अंदर बड़ा अच्छा है बट पैकेजिंग ऐसी है देख करके घिन आ जाए आदमी को, कौन खरीदेगा? कोई नहीं लेगा। पैकेजिंग भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके कुछ इन्वेंशन आपने करी है और बनाए जा रहे हो, प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, और कह रहे हो कोई खरीद क्यों नहीं रहा है? अरे किसी को पता ही नहीं है। पता होगा तभी तो पॉसिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, खरीद भी लेंगे अगर मार्केटिंग तगड़ी होगी तो, लेकिन दोबारा कब खरीदेंगे? जब प्रोडक्ट में दम होगा। तो पहला स्टेप क्या है? प्रोडक्ट में दम होगा। प्रोडक्ट क्या है? आप खुद एक प्रोडक्ट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, आप एक प्रोडक्ट नहीं तो और क्या हो? अल्टीमेटली अगर आपको कोई जॉब दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है, किस चीज के दे रहा है? जो आपकी स्किल है उसके दे रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके दे रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके दे रहा है, आप जो उस कंपनी के लिए कर सकते हो उसके दे रहा है। तो ये क्या है? आप एक मशीन के जैसे नहीं हो क्या? इसको समझना होता है। आप उस कंपनी के लिए, इट मे लुक ऑड टू यू, सुनने में अजीब लगेगा, बट आप एक मशीन के जैसे हो। कोई मशीन ज्यादा काम की है, कोई कम काम की है, कोई छोटी मशीन है, कोई बड़ी मशीन है, और एक बड़ी मशीनरी है जिसको कंपनी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मशीन फिट हो जाती है। तो आपके ऊपर है, आप उस पूरी मशीनरी में क्या रोल प्ले कर रहे हो। आप उसका एक ऐसा पुर्जा भी हो सकते हो, बिकॉज आपने अपनी स्किल पे बहुत ज्यादा काम किया है, कि अगर आप उस कंपनी में नहीं हो तो पूरी की पूरी मशीनरी ठप हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है उस कंपनी के लिए। आप एक ऐसा पुर्जा भी हो सकते हो कि आपके जैसे पुर्जे बाहर लाइन लगा करके लाखों खड़े हैं, एक पुर्जे को निकालो, दूसरे को फिट करो, तो आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे। आप समझ आ रहा है मैं क्यों कहता हूं अपने काम को बेटर बनाओ? हाँ, अब काम को बेटर कैसे बनाते हैं? अरे जिस काम में आपको इंटरेस्ट होगा उसी में तो बेटर बनाओगे। डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें? अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट होता है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। क्या आप मूवीज देखने से डिस्ट्रैक्ट होते हो? कोई अच्छी मूवी देख रहे हो वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो? कोई बेकार मूवी देख रहे हो पिटी हुई, वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो गया नहीं हो गए? बार बार आपका ध्यान मूवी में से हटेगा, यार ये क्या पका रहे हैं,
अब बार बार अपने मोबाइल को भी देखोगे, बाहर भी जाओगे, शायद बीच में से भी उठ के आ जाओगे, क्या हो रहा है? एक काम में आपका इंटरेस्ट है, एक में नहीं है, तो काम ही ऐसा करो ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है।